10 एम्पियर तब काम आएगी प्यारे बच्चों जब मैं इस लाल वाली नोब को यहाँ से निकाल करके इसमें लगूंगा तो ही ये 10 एम्पियर नापेगा, वरना अभी जैसे एक मैंने कॉमन लिख रखा है, एक मैंने मिली एम्पियर में लिख रखा है, तो आपको कोई चिंतित नहीं होना है। आप कह दो कि सर ये लो, ये अभी 200 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया दशमलव 2 मिली एम्पियर से शुरू करता है, तो जैसे आपको दशमलव 1 मान नापना है, 0.05 मिली एम्पियर नापनी, तो आप आराम से इस नोब पे रखिए। 2 मिली एम्पियर तक की नापनी है तो इस पे रखिए, 20 मिली एम्पियर तक की नापनी है तो इसमें रखिए। 200 मिली एम्पियर का मतलब हो गया दशमलव 2 एम्पियर, दशमलव 2 एम्पियर से ज़्यादा अगर आपको नापना है तो आप बिना किसी हिचके इसको यहाँ से निकालिए और इसमें डाल दीजिए। अब लेकिन अब करना क्या, अब आपको इसको यहीं रखना है, ये देखो इस पे। अब आप ये मत करना कि साहब मैंने सोचा कि इसको कहीं रख दूँ, ना, जब इसको 10 मिली एम्पियर पे लगा दिया दोनों को, तो आपको ये देखिए 10 एम्पियर जिस पे लिखा हुआ है उसी 10 एम्पियर पे इस नोब को रखना है। इसके बाद ये कार्यक्रम शुरू करेगा अपने नापने का। एक तो हुआ ये पार्ट, यानी मैंने आपको वोल्टेज नापना और करंट नापना सिखा दिया, और अभी केवल डीसी है। अगर आपको एसी नापनी हो तो आप बिना किसी दिक्कत के ये एसी यहाँ लगा दीजिए। अब ये सब कुछ एसी नापेगा, ये देखो वोल्ट, ये वोल्टेज एसी नापेगा। अभी मैं आपको घर में कितनी सप्लाई आती है, जैसे मान लो कोई बच्चा कहे कि सर आपके घर में कितनी पावर आ रही है, तो मैं अभी नाप के दिखाता हूँ। देखो मेरे पास एक स्विच है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा ये सब नापने वगैरह के। चलो हर एक चीज़ नाप के सिखाऊँगा इससे। ये आप एसी नापोगे इसमें। अब बारी आती है कि और क्या क्या नाप सकते हैं। तो देखिए एक जो चीज़ है सबसे ज़रूरी है कि मान लो कोई तार, जब प्रयोगशाला में हम केबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो केबल सही है कि नहीं है इसका पता ये ऑफ के बिल्कुल 180 डिग्री पे लगता है। आप देखिए इसमें रख कर के अगर मैं इन दोनों को, तो ध्यान से सुनना आप, इसको पहले ओम में ले, ये देखो ये 10 एम्पियर को निकाल के मैंने क्या किया, ओम नापना है तो इसको यहाँ लगा दिया, और अब मैंने ये लगा दिया। अब देखना आप ध्यान से सुनना, ये देखो बीप की आवाज़ आई ना, ये तो ये जीरो, इसके साथ यहाँ जीरो आ जाएगा। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर मुझे किसी तार की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे ये करना है। अब तार की कंटिन्यूटी या फ्यूज, मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट का फ्यूज खराब हो गया तो आप कैसे नापेंगे। तो फ्यूज को दोनों हाथों में लेकर के एक एक सिरे को इससे जोड़िए, दूसरे सिरे को इससे, और आप फिर अगर आपको बीप की आवाज़ सुनती है तब तो फ्यूज सही है, और बीप की आवाज़ नहीं सुनती है तो फ्यूज खराब, उसको बदल दीजिए। तो ये छोटे प्रयोग भी आप इससे सीख सकते हो। अब प्यारे बच्चों जिस, ये ओम का निशान है, आप जिस रेंज में भी इसको रखोगे उसी रेंज का प्रतिरोध ये नाप लेगा। 10 ओम आप देखिए इसमें, इसकी जो रेंज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सब ध्यान से देखना, ज़बरदस्त वैल्यू तक नापता है। 200 ओम से लेकर के ये 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम और उससे भी ज़्यादा, यानी बहुत उच्च प्रतिरोध का मापन भी कर सकता है। और मैं आपको बताऊंगा कि डायोड का अगर बायस में प्रतिरोध बहुत कम होता है और रिवर्स बायस में बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। तो आप देखिए कि ये मल्टीमीटर का ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो उपयोग है वो प्रतिरोध नापने के लिए होता है। और यहाँ देखो इसमें दो निशान लगे हुए हैं, एक तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई थी और एक आप इसमें देखो डायोड का भी निशान बना हुआ है ये रहा। तो अगर आपको किसी डायोड की चेकिंग करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट वे, इसको आप यहाँ रखिए, ये यहाँ पर कट की आवाज़ आ गई और यहाँ पर डायोड का हम चेकिंग कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, वोल्टमीटर, अमीटर, प्रतिरोध नापना। अब बारी आती है संधारित्र की धारिता नापने की। देखो एफ का मतलब होता है फैरेड, एफ का मतलब क्या होता है फैरेड। तो इस, ये जो मल्टीमीटर है ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, सामान्यतया हम इसको एमएससी की कक्षाओं में इस्तेमाल करवाते हैं बच्चों से, क्योंकि वहाँ संधारित्र की धारिता की मापन की भी कई प्रयोग होते हैं। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को कोई भी प्रयोग में धारिता का मापन नहीं करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ज़रूर बताऊंगा कि जो धारिता का जो मापन होता है वो आप जो ये आप देख लीजिए इसमें, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, ये जो है ना माइक्रो फेरेड पीको फेरेड में वैल्यूज हैं सारी, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है धारिता की। और इसमें इसने लिखा भी है देखो कितने पीको फेरेड तक ये नाप लेता है।
तो संधारित्र को इसमें, संधारित्र की दोनों जो टांगें होंगी वो दोनों सिरों को इसमें डाल देंगे और उसके बाद में आप जो भी वैल्यू इसमें पड़ेगा वो बता देंगे। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम कर सकते थे। देखो इसमें ये HFE का मतलब होता है बीटा, आपको मैंने बताया हुआ है। किसी भी ट्रांजिस्टर का अग्रधारा लाभ HF कहलाता है। अगर कॉमन बेस है तो HFB हो जाएगा और कॉमन एमीटर है तो HFE हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर की HFE नापने का भी इसमें तरीका होता है और इसमें यह भी दिया हुआ है कि आपको NPN ट्रांजिस्टर की नापनी है या PNP ट्रांजिस्टर की। ये मेरे आप पहले लेक्चर सुनिए, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया कि PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है, NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो आपको अगर PNP ट्रांजिस्टर की HFE नापनी है तो आप इस नोब को घुमा करके यहाँ ले आएंगे, ये PNP की। और इसके बाद में इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखो ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर। तो तीनों जो उसकी जो टर्मिनल होते हैं, एमीटर वाले को एमीटर की इसमें डालिए, बेस को बेस में डालिए और कलेक्टर, ये आपको मालूम ही है सब प्यारे बच्चों को, बेस बीच में होता है, कलेक्टर और एमीटर दोनों तरफ होते हैं। तो आप देखिए उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, कलेक्टर बेस, एमीटर बेस कलेक्टर, उन तीनों को इसमें रखिए और उसके बाद में आप PNP की HFE निकाल सकते हैं और इससे आप NPN ट्रांजिस्टर का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि DC वोल्ट मीटर, AC वोल्ट मीटर, DC एम्पियर मीटर, वोल्ट AC एम्पियर मीटर, फैराड का मापन कर सकते हैं संधारित्र की धारिता का, किसी भी युक्ति के प्रतिरोध का मापन इसके द्वारा कर सकते हैं, न केवल उसकी कंटिन्यूटी को, फ्यूज की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं प्रयोग में। कई बार मैंने बच्चों को करते हुए देखा है कि वो सारा सर्किट सही बना लेते हैं और फिर मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी रीडिंग ही नहीं आ रही, आप कृपया चलिए। तो मैं उनको फिर जाकर के, मैं कुछ नहीं करता, ये सब बच्चे जानते जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लास लेबोरेटरी में, मुझे जानते हैं कि मैं कैसे कार्य करवाता हूँ। मैं उनके पास जाके कहता हूँ कि तुमने क्या कैसे शुरू किया, तो उन्होंने कहा साहब देखिए ये सर्किट आपने बना के दिया था, हमने इस प्रकार से सर्किट को जोड़ दिया। तो मैं उनसे पहला प्रश्न ये पूछता हूँ कि क्या तुमने हर एक केबल की कंटिन्यूटी चेक की, वो कहेंगे नहीं की, तो मैं कहा इसके कारण रीडिंग नहीं आ रही। और आप देखें कि उनमें जब वो बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही वो कंटिन्यूटी हर एक केबल की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि दो केबल फॉल्टी है, उनको निकाला, उनकी जगह चेक करके नई केबल लगा दी और बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह रीडिंग आ गई। यानी प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक के प्रयोगों में तो देखिए कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि फ्यूज सही है कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, और जो लीड्स हमने लगाई हैं, केबल्स हमने लगाई हैं, वो कंटिन्यूटी शो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये दो तीन बातें बेसिक अगर अपन ध्यान रख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रयोग कभी असफल हो नहीं सकता। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैंने आपको मल्टीमीटर और के बारे में बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, मल्टी का मतलब बहुत बहुआयामी, मल्टीमीटर यानी जो एक से ज़्यादा मेजरमेंट कर सके वही मल्टीमीटर है। मेरे पास अभी मैकेनिकल मल्टीमीटर नहीं है, जिसमें डिजिटल नहीं था, उसमें एक निडल, मैं आजकल आउट, वो वैसे तो आउटडेटेड हो गए, लेकिन जब इस बार कॉलेज खुलेगा तो मैं आपको लेबोरेटरी से लाइव दिखाऊंगा कि वो मैकेनिकल मल्टीमीटर किस प्रकार से कार्य करता है। तब तक आप इससे काम चलाइए, ठीक है, और ऑफ रखना है तो ये ज़रूरी है, कोई भी प्रयोग करने के बाद में इसको ऑफ करके रख दीजिए। ये आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस भी बता रहा हूँ। होगा क्या कि मान लो आपने इसको चालू करके छोड़ दिया और भूल गए, तो आप दो या तीन दिन बाद में दोबारा लेब में आएंगे तो पता चला इसमें से सारे अक्षर गायब हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो वीक पड़ गई। बैटरी कहाँ होती है इसकी? ये रही बैटरी, ये देखो ये इसका स्टैंड, इसको रखने के लिए कम से कम ये पता तो चले आपको कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, इसको रखने के लिए। और इसमें आप पीछे देखिए, यहाँ पर बैटरी के लिए स्थान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये खोलना पड़ेगा इसके लिए आपको, ये यहाँ पे देखिए स्क्रू दिख रहे हैं ना, ये वाले एक और एक दो, इन स्क्रू को खोलते ही पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। और यहाँ आपको मैं अगली बार ही दिखाऊंगा कि एक बैटरी भी इसमें होती है, उसका अपन वोल्ट उस तरह की बैटरी का, और ये जो है वो आपको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मल्टीमीटर के बाद मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, अलग अलग इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं ये बताऊंगा। धन्यवाद।